बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर वन की। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी को स्टडी किया, जहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा, फिर हमने राउंड ऑफ को देखा कि कैसे हम नंबर ऑफ को राउंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमने एरर्स को देखा, फिर कम्बिनेशन ऑफ एरर्स को देखा, और फिर डायमेंशनल एनालिसिस को देखा और उसकी अप्लीकेशन को देखा डिटेल के साथ। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं चैप्टर वन के अंदर, अब हम उन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे। वहाँ पे भी हमने अप्लाई किया, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। अब जो एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स हमें दिए हुए हैं, अब हम हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर वन के अंदर पढ़े हैं। अब हम देखेंगे कि उन कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा है जो हमने चैप्टर वन के अंदर स्टडी किया है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है कि अ लाइट ईयर द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन वन ईयर, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में वो कहता है कि लाइट ईयर हमारे पास एक यूनिट होता है डिस्टेंस का, ठीक है। लाइट ईयर क्या है? ये एक यूनिट है डिस्टेंस का, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का एक यूनिट है, जैसे डिस्टेंस के और भी यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे ही लाइट ईयर भी क्या है? एक यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ये जो यूनिट्स हैं डिस्टेंस के, ये बहुत छोटे यूनिट्स हैं। जब हमने स्टार के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो या गैलेक्सीज के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो, ठीक है, तो फिर हम ये जो मीटर है, सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, फिर हम ये डिस्टेंस यूज नहीं करते। फिर हम डिस्टेंस को, जो बड़े यूनिट्स हैं उनमें से एक यूनिट लाइट ईयर है, इसको यूज करते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, हमने ये बताना है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है। एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं? लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर वो ए वन लाइट ईयर वो ए वन लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी एक साल में तय करती है। यानी कि रोशनी अगर एक साल चलती रहे तो एक साल बाद वो जिस जगह पहुंचती है या जितना वो फासला तय करती है उसको हम वन लाइट ईयर कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि रोशनी एक साल में कितना फासला तय करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझें, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये फाइंड करना है कि रोशनी एक साल में कितना फासला तय करती है, या हम दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन दो इस तरह की इसकी स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम की, लेकिन इसका जो मफहूम है वो एक ही है, उसका सोल्यूशन भी एक ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह सकते हैं कि रोशनी एक साल में कितना फासला तय करती है, ये हमने फाइंड करना है, या यूं हम इसको कह सकते हैं कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये ज्यादा क्लियर होती है कि हमने उसी को हम लेके चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है। तो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की टू है, लेकिन इसका मफहूम और इसका सोल्यूशन वो एक ही है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, या एक लाइट ईयर के अंदर रोशनी कितना फासला तय करती है। रोशनी अगर हमने किसी चीज का फासला यानी कि डिस्टेंस मेजर करना हो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। इक्वेशन ये आपने 9 के अंदर पढ़ी होगी कि s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। और s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, कि कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और v क्या होती है? स्पीड, कि हमारी स्पीड कितनी थी। और टी क्या है? टाइम, ठीक है। ये फार्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वी क्या है? स्पीड है, कितनी स्पीड के साथ किया है। और टी क्या है? टाइम है, कितने टाइम के साथ हमने ट्रेवल किया है। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है कि रोशनी ने कितना फासला तय किया है एक साल के अंदर, ठीक है। रोशनी ने कितना फासला तय किया है एक साल के अंदर।
तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 1 ईयर, ठीक है। और स्पीड, रोशनी की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सी यानी कि स्पीड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो रोशनी ने ट्रैवल किया है एक ईयर के अंदर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि टाइम हमें पता है 1 ईयर है और स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आ जाएगा जो रोशनी ने एक ईयर में तय किया है, ठीक है। इसको दोबारा लिख लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये देखें टाइम का यूनिट क्या है, ईयर, लेकिन टाइम का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो सेकेंड है, तो लिहाजा ईयर को हम सेकेंड, तो हमने निकालना है कि एक ईयर के अंदर कितने सेकेंड होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर को हम डेज में लेके आते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अब हमने 365 डेज को आवर्स में लेके आना है, तो एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24, यानी कि दिनों में, साल को हम दिनों में ले आए, अब दिनों को हम घंटे में लेके आएंगे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, 365 × 10⁴। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे कि आगे मिनट्स में भी लेके जाएंगे, 365 × 24, तो यहाँ पे हमारे पास ये 8760 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे। अब हमने इसको मिनट्स में लेके जाना है, तो अगेन एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60, तो यहाँ पे हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8760 × 60, तो ये मिनट्स में चला जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जब हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5,25,600, तो ये आगे मिनट्स, लेकिन हमने इसको लेके जाना है सेकंड के अंदर, क्योंकि टाइम का ये यूनिट है वो सेकंड है, तो अगेन हम एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 60 से मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चला जाएगा सेकंड्स के अंदर, तो हमारा जो आंसर है टाइम का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3153600 सेकंड्स। सो इतने सेकंड्स होते हैं 1 ईयर में। अब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे कि s इज इक्वल टू वी टी, वी हमारे पास कितना है, ये है वी होती है स्पीड, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, और टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम है, रोशनी इतना टाइम ले रही है 3153600। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 9.46 × 10⁵ मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस था, s इज इक्वल टू 9.46 × 10⁵ मीटर। तो रोशनी ने कितना फासला तय किया है, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए, हमसे यही पूछा गया था कि रोशनी ने एक साल में कितना फासला तय किया है, तो रोशनी जो जो फासला तय किया है वो हमने निकाला है s इज इक्वल टू vt के फॉर्मूले से, v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट थी यानी कि रोशनी की स्पीड थी, और t टाइम था, कितना टाइम उसने लिया, वो एक साल लिया, एक साल को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, तुम्हारे पास इतने सेकंड्स बन गए। तो एक साल में रोशनी ने जो फासला तय किया वो किया है 9.46 × 10⁵ मीटर, इतने मीटर जो है वो रोशनी ने फासला तय किया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 light year, ये क्या है, ये s क्या है, ये बेसिकली लाइट ईयर है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 light year इज इक्वल टू 9.46 × 10⁵ मीटर, ठीक है, कि रोशनी ने जो फासला तय किया है एक साल में वो 9.46 × 10⁵ मीटर है। या आप हमें यहाँ पे देखें, कहा गया था कि हाउ मैनी मीटर्स इन 1 ईयर, तो एक हाउ मैनी 1 light year,
सो एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स हैं, वो भी उसका आंसर भी सेम ही है, ठीक है। एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 9.4 सेकंड 10^15 मीटर, या रोशनी एक साल में कितना फासला तय करती है, उसका भी आंसर यही है कि 9.4 सेकंड 10^15 मीटर। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है, उसके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन वन ईयर, एक ईयर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। ये हमने क्वेश्चन वन में भी सॉल्व किया है कि एक ईयर के अंदर कितने सेकंड्स है, ठीक है। ईयर्स को हम पहले डेज में लेके आए, डेज को हम आवर्स में लेके आए, आवर्स को हम मिनट्स के अंदर लेके आए, और मिनट्स को हम फिर सेकंड के अंदर लेके आए, तो हमारा जो है तो हमें पता चल गया कि एक ईयर के अंदर कितने सेकंड होते हैं। यहाँ पे हम उसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में हमने ये बताना है कि ओ मैंने नैनो सेकंड्स इन वन ईयर, फिर हमने एक ईयर में नैनो सेकंड्स भी निकालने हैं, और फिर हमने बताना है कि एक सेकंड के अंदर कितने ईयर्स होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट इसका, अच्छा, हाउ मैनी सेकंड्स इन वन ईयर। वन ईयर किसके बराबर होता है, 365 डेज के, ठीक है। अब हम डेज को आवर्स में लेके आएंगे, तो उसके लिए एक डे में कितने आवर होते हैं, 24। तो 65 को जब हम 24 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे। ये कितने आएंगे, 365 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8760 आवर्स आ जाएंगे। अब हमने आवर्स से मिनट्स में लेके जाना है, तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, इनके एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इन को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने मिनट्स बनते हैं जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो मिनट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5256 00, ठीक है, मिनट्स। अब हमने मिनट्स में सेकंड्स में जाना है, तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया सेकंड्स, और इसकी अगर वैल्यू हम चेक करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31536000, ठीक है, सेकंड्स, ठीक है। तो एक ईयर के अंदर हमने सेकंड्स जो है वो निकाल लिए हैं। अब सेकंड पार्ट जो है इसका वो है कि हाउ मेनी नैनो सेकंड इन वन ईयर। अब हमने बताना है कि नैनो सेकंड एक ईयर में कितने होते हैं, बी पार्ट इसका। अच्छा, एक सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं, 10^-9 नैनो सेकंड होते हैं, यही है ना। एक सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं, 10^-9 जो है वो नैनो सेकंड होते हैं एक सेकंड, नहीं, इसको हमने उल्टा लिख दिया कि एक नैनो सेकंड के अंदर कितने सेकंड, इसको इसको हम ऐसे लिख दें कि एक नैनो सेकंड के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 10^-9 सेकंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम एक नैनो सेकंड के अंदर कितने सेकंड हैं, 10^-9, और अगर हमने देखना हो कि एक सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड हैं, तो इसकी ये जो 10^-9 है इसको हम दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक नैनो सेकंड के अंदर 10^-9 सेकंड होते हैं। अगर हमने देखना है कि एक सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड है, तो हम 10^-9 का हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर 10^-9 है तो साइड पे क्या हो जाएगी, +9, 10^+9 नैनो सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड।
एक सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड आ गए? 10^-9 नैनो सेकंड। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कि 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 ईयर के अंदर सेकंड्स तो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है। कितने सेकंड आ गए हमारे पास? 31536000 सेकंड है। और 1 सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं? 10^9। सो जब हम 10, अगर हमने सेकंड से नैनो सेकंड में जाना है, ये सेकंड में है फैक्टर, अगर हमने सेकंड से नैनो सेकंड में जाना है तो उसका क्या मतलब है कि हमने 10^-9 से सेकंड्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नैनो सेकंड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 ईयर के अंदर कितने नैनो सेकंड है। सेकंड्स तो हमने पहले निकाले हुए हैं, 31536000। अब हमने नैनो सेकंड में जाना है तो हमने 10^-9 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम नैनो सेकंड के अंदर चले जाएंगे। तो एक जो है 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर इतने जो है वो नैनो सेकंड होते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं 3.1, राउंड ऑफ करें, 3.15 × 10^16 नैनो सेकंड, ठीक है। अब हमने थर्ड इसका पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, वो है हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने ईयर्स होते हैं। अच्छा, 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड हैं, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये हमने जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लिखा हुआ है 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड्स हैं, ठीक है। 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड्स हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड्स। 1 ईयर के अंदर ये सेकंड हैं तो 1 ईयर के अंदर कितना सेकंड होगा। तो अगर हमने 1 सेकंड निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 सेकंड के अंदर ईयर आ जाएगा, ठीक है। 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर के अंदर इतने सेकंड्स हैं, और अगर हमने 1 सेकंड निकालना है तो इस पूरे फैक्टर को हमने दूसरी साइड पर डिवाइड कर देना है तो हमारे पास 1 सेकंड के अंदर ईयर आ जाएगा। यहाँ पे हम पार्ट सी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एस 1 ईयर इज इक्वल टू 31536000 सेकंड्स। अगर हमने सेकंड 1 सेकंड निकालना है तो इस पूरे फैक्टर को इस साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/31536000 ईयर इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको पूरे फैक्टर को जब आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.17 × 10^8 ईयर 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 ईयर के अंदर हमारे पास कितने, 1 सेकंड के अंदर कितने ईयर होते हैं, 1 सेकंड के अंदर 3.17 × 10^18 ईयर होते हैं। प्रॉब्लम 3 है हमारे पास, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, कोई प्लेट है रेक्टेंगुलर और उसकी लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है। लेंथ कितनी है हमारे पास, 15.3, और जो विड्थ है वो है 12.80 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो 15.3 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 12.80 सेंटीमीटर है, और हमने एरिया ऑफ द लूप जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है। लेंथ इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं, विड्थ लिख लेते हैं। विड्थ कितनी है हमारे पास, 12.80 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और विड्थ में हमें हमारे पास कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है।
सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने काउंट कर लिए हैं, लेंथ के अंदर 3 है और विड्थ के अंदर 4 है, तो इसको हम बाद में बताएंगे कि हमने क्यों गिने हैं, उसका फायदा क्या होता है। ठीक है, कि जबकि हमने फाइनल रिजल्ट लिखना होता है ना, तो हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम हर क्वांटिटीज के सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें और फिर हम देखें कि फाइनल रिजल्ट जो है वो हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो रखना है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं मेजरमेंट के अंदर, उनके हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने होते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि फाइनल रिजल्ट हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। तो इसलिए लेंथ के सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 हैं और विड्थ के सिग्निफिकेंस फिगर 4 हैं। हमने फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, ये लेंथ है, इसको एल से डिनोट करते हैं, ये विड्थ है, इसको बीच से डिनोट करते हैं। एरिया क्या होता है कि आपने लेंथ और विड्थ दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लेंथ जो है हमारे पास 15.3 है और जो विड्थ है हमारे पास वो 12.80 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द लूप आ जाएगा। लेंथ हमारे पास आ गई 15.3 और विड्थ है हमारे पास 12.80। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 15.3 मल्टीप्लाई बाय 12.80, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम इस रिजल्ट में, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट है उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा भी या नहीं होगा। तो इसके लिए हमने, जब हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंस पढ़ा था, तो उसमें हमने एक रूल ये भी पढ़ा था। वो रूल क्या था, वो रूल ये था कि इन मल्टीप्लिकेशन, कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन, यानी कि रूल सेम है, मल्टीप्लीकेशन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रूल सेम है। यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये लेंथ और ब्रेड थी ना, ठीक है, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया है। ये एक ये हमारे पास जो था नंबर था और एक ये नंबर था, दोनों का हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो लिहाजा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला रूल अप्लाई होगा। और वो रूल हमें क्या कहता है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटर्न टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स as that of original number with minimum number of significant figures. तो ये रूल हमें ये कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें हमें, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखने हैं, कि हमने देखना है कि इंडिविजुअल में जो हमारे पास क्वान्टिटीज हैं, ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स हैं, ओरिजिनल नंबर के अंदर जिस नंबर के मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट उस मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास दो नंबर थे, एक ये नंबर था 12.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, और एक ये नंबर था 12.84, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। ये रूल ये कहता है कि आपने फाइनल रिजल्ट मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स तक लेके जाना है। ठीक है, जो भी आपके अंदर इन क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज थी, एक में सिग्निफिकेंट फिगर 3 हैं और एक में 4 हैं। ये रिजल्ट क्या कहता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, तो मिनिमम किस में है, 3 मिनिमम है या 4 मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पर क्या है, 3 है। तो इसलिए लिहाजा हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा, इस फाइनल रिजल्ट को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रूल क्या कहता है कि जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जिस नंबर के पास जिस नंबर के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, फाइनल रिजल्ट हमने उसी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना होता है। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है, एक है 15.3 और दूसरा नंबर है 12.80। 15.3 में 3 सिग्निफिकेंट हैं और 12.80 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
ये रूल हमें ये कहता है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट जो नंबर्स होंगे रिजल्ट हमने वहां तक लेके जाना है। तो मिनिमम कौन से हैं, थ्री और फोर में थ्री मिनिमम है, तो लिहाजा जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमने थ्री तीन वो हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, थ्री, तो लिहाजा ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। अब हम काउंट करते हैं थ्री कहाँ तक बनते हैं, वन टू थ्री, ये थ्री है। तो लिहाजा ये तीनों नंबर्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये हमारे फाइनल रिजल्ट में शामिल होंगे। इन दो न ये जो दो नंबर आए हैं इनको हमने शामिल नहीं करना। ये जो दो फर्स्ट थ्री डिजिट्स हमारे रिजल्ट में शामिल होंगे, नेक्स्ट जो टू डिजिट्स हैं ये हमारे रिजल्ट में शामिल नहीं होंगे। ये हमें रूल ये कहता है कि हमने इन दो को शामिल नहीं करना। तो लिहाजा हम ये इन दोनों को ड्रॉप करेंगे। किसको ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट थ्री डिजिट के बाद नेक्स्ट डिजिट एट है, तो एट यहाँ पे हमने करना है ड्रॉप, ये ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने का भी रूल है इनके, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने का क्या रूल है, अब ये एट है रूल, राउंडिंग का जो रूल है, राउंडिंग का जो रूल है वो ये है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन फाइव देन द प्रीसीडिंग डिजिट इन इंक्रीज बाय वन। अगर हमने वो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं जो पांच से बड़ा है, तो हमने जो उससे पिछला जो नंबर होगा उसमें हमने एक ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम एट को ड्रॉप कर रहे हैं, एट फाइव से बड़ा है, तो लिहाजा एट के पीछे जो नंबर होगा उसको हमने एक डिजिट इंक्रीज कर देना है। तो एट के पीछे जो नंबर है फाइव, इसको हम वन डिजिट इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसको हमने रूल सिग्निफिकेंस के जो रूल्स हैं और जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं उनके अहम मुताबिक इसको लिखा है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, एट द फॉलोइंग मासेस गिवन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन का यही मतलब है कि ये जो आप एडिंग करेंगे मासेस की, इनको आपने जो सिग्निफिकेंट के रूल्स पढ़े हैं, जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े हैं, उनके मुताबिक इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपने लिखना है। ठीक है, जब क्वेश्चन के अंदर ये लिखा गया है कि आप इसको आपने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक लेके जाना है, तो उसका यही मतलब होता है कि आपने जो सिग्निफिकेंट के रूल्स पढ़े हैं उनको भी अप्लाई करना है, जो राउंडिंग ऑफ के रूल जो पढ़े हैं उनको भी अप्लाई करना है आपने यहाँ पे। तो अब हम इनको ऐड करते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो क्वांटिटी है हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं, वो है 2.189 केजी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 0.089 केजी, थर्ड है हमारे पास 11.8 केजी और फोर्थ है 5.32 केजी। जब हमें कहा जाए ना कि हमने जो रिजल्ट है वो अप्रोप्रिएट प्रोसीजन तक लेके जाना है, तो आप जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उन सब के पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कर लिया करें, क्योंकि जब हमने फाइनल रिजल्ट लिखना होता है तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बेसिस के ऊपर ही लिखना होता है। तो अब हमारे पास चार नंबर्स हैं जिनके मासीज हैं, चार मासीज हैं, और इन चारों के अब हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट है 2. ठीक है, 2.189 केजी। ठीक है, तो इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं फोर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेक्चर देख लें जिसमें मैंने बताया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड जो हमारे पास मास है वो है 0.089 केजी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, टू। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, टू हमारे पास। थर्ड जो मास है हमारा वो है 11.8 केजी, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं थ्री, और जो फोर्थ है उसमें भी कितने हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, थ्री। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने क्यों लिखे, ये हम जब इस इन सब मासेस को ऐड करेंगे जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे ना, तो फाइनल रिजल्ट हमने इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स की
जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस के ऊपर लिखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल ली हैं ताकि हमें जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो हमें आसानी हो उसको लिखने में। अब हमने इन सब को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ऐड करने का तो क्या तरीकाकार होता है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट हमने लेके आना है, तो हम इनको फर्स्ट मैथ हम लिखते हैं 2.189, सेकंड है 0.089, 0.089, थर्ड है 11.8, 11 यानी कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए 8, और फोर्थ है 5.32। अब हम इनको ऐड करते हैं 9 और 9, 9 9 हो गए 18, 8 नीचे आ गया 1 कैरी, 8 8 8 प्लस 2 10, 10 में 8 और ऐड करें तो 18 और 1 डालें तो 19, 9 1 19 हो गया, 9 नीचे 1 कैरी, 1 1 2 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13, 3 नीचे आगे पॉइंट, 1 कैरी 2 प्लस 1 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 5 9 और आगे 1। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं जो हमने मासेस को ऐड किया है, तो नेट जो रिजल्ट आया है हमारा वो आ गया है 19.398। अब हमने देखना है कि हमने अपना रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, ठीक है। अब ये जितनी भी क्वांटिटीज थी इन सब को हमने आपस में क्या किया है, ऐड किया है। तो एडिशन का रूल हमने पढ़ा था जब हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन किए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, तो हमने ये रूल पढ़ा था कि जब हम उसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि जब हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं। तो वो रूल ये है हमारे पास, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटन टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब फाइनल रिजल्ट हमें ये कहता है कि अगर हमने फाइनल रिजल्ट लिखना है अब ये रूल हमें क्या कहता है कि जब हम मुख्तलिफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपस में ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट हो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हमने लिखना है कि उन सिग्निफिकेंट फिगर्स में जिसके जो सिग्निफिकेंट जिस सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी, फाइनल रिजल्ट हमने उतनी डेसिमल प्लेसेस के साथ लिखना है, ठीक है। अब हमने देखनी है ये जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास किसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। हमने फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना है, फाइनल रिजल्ट हमने फाइनल रिजल्ट जो है वो हमने लिखना है मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। फाइनल रिजल्ट हमने मिनिमम डेसिमल प्लेसेस के साथ लिखना है कि हमारे पास जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमने देखना है किसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, जितनी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होंगी फाइनल रिजल्ट हमने उतनी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें कितनी हैं डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी 3 हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं 1, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं 2। तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हमारे पास कितनी आ रही हैं, 1 आ रही है। मिनिमम डेसिमल प्लेस जो हमारे पास आ रही है वो 1 आ रही है, तो लिहाजा ठीक है, लिहाजा हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 1 मिनिमम डेसिमल प्लेस तक जाएगा। हमारे पास कितनी मिनिमम हमारे पास कितनी डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं 1 2 3, लेकिन रूल हमें ये कहता है कि हमने 1 डेसिमल प्लेस तक अपना रिजल्ट लिखना है, 3 तक नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, देखें 4 क्वांटिटीज थी हमारे पास, पहली क्वांटिटी को जो डेसिमल प्लेसेस हैं 3 हैं, दूसरी की भी 3 हैं, तीसरी की 1 है, चौथी की 2 है, ठीक है। रूल हमें ये कहता है कि
कि हमने जो फाइनल रिजल्ट लिखना है वो मिनिमम डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो इन चारों में से जो मिनिमम डेसिमल प्लेस आ रही है वो वन आ रही है। हमारे पास वन भी है, टू भी है और थ्री भी है, लेकिन जो मिनिमम है वो है वन। तो लिहाजा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमने वन डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ठीक है। तो 19.3 तक तो हमारा रिजल्ट होगा, आगे जो 9.8 है इसको अब हमने क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 19.398। अब 9 को हम करेंगे ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है राउंड ऑफ करेंगे। अब 9, ये रूल हमने पढ़ा था राउंडिंग ऑफ में कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर को ड्रॉप करते हैं जो 5 से बड़ा होता है तो हम जो उससे जो पिछला नंबर है उसको हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये वो रूल है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। अगर हम किसी ऐसे नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं जो 5 से बड़ा है, यहां हम किसको ड्रॉप कर रहे हैं, हम 9 को ड्रॉप कर रहे हैं और 9 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़े नंबर को जब हम ड्रॉप करते हैं तो उससे पिछला जो नंबर होता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 9 के पीछे 3 है, लिहाजा 3 में हम एक चीज ऐड कर देंगे, एक नंबर ऐड कर देंगे। तो 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.4, ठीक है। लिहाजा हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, 19.4 kg। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। ये जो चीजें हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जब ऐड हों या मल्टीप्लाई हों, सब्ट्रैक्ट हों, डिवाइड हों, तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो आप जो अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसको आप देख लें। उसमें मैंने एक एक चीज बताई हुई है कि जब हम इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर हम फाइनल रिजल्ट जो है वो कैसे लिखें। यहाँ पे वो दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट उसका हम मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख रहा हूँ और उसी को जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी, ठीक है। यानी कि जी की वैल्यू भी फाइंड करनी है और उस अनसर्टेनिटी का मतलब है उस वैल्यू के अंदर जो एरर है, इनकी हमारी जो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। एक तो हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उस वैल्यू के अंदर एरर भी फाइंड करना है कि उस वैल्यू के अंदर कितना एरर है। अनसर्टेनिटी का ये मतलब है कि आपने वैल्यू भी फाइंड करनी है और फिर उस वैल्यू के अंदर एरर भी फाइंड करनी है। यूजिंग टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 100 सेंटीमीटर एंड टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस इक्वल टू 40.2 सेकंड फ्रॉम द फॉलोइंग लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर एंड टाइम बाय स्टॉपवॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकंड। ये फार्मूला हमें दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 2π एल बाय जी और यहाँ से हमने जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू जो है वो 100 सेंटीमीटर है, टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, उसके लिए डाटा दिया हुआ है और हमें कहा यह गया है कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर की है लेंथ, उसका जो एक्यूरेसी थी यानी कि जो उसका लीस्ट काउंट था वो था 1 मिलीमीटर और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने टाइम को मेजर किया है उसका जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड की उस मेजरमेंट के अंदर एरर थी टाइम में और 1 मिलीमीटर की एरर थी उसमें लेंथ के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दो चीजें यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमने उसके अंदर एरर फाइंड आउट करना है। तो हम पहले जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी के। हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों साइड पर स्केयर ले लेते हैं, इधर T का स्केयर 2π एल बाय जी का स्केयर, T स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4, पाई का स्केयर 4, अंडर रूट स्केयर आपस में कैंसिल, तो हमारे पास एल बाय जी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जी को इस साइड पे लेके आते हैं और टी को इस साइड पे, जी हमारा जी इज इक्वल टू आ जाएगा 4π का स्केयर एल बाय जी के, एल बाय टी स्केयर के।
अब हमने ये हो गई क्वेश्चन नंबर वन। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी की, तो एल एल कितनी है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मीटर लेंथ का वो सेंटीमीटर नहीं है, वो मीटर है, तो लिहाजा हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो एक सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, एक मीटर। अब हमने टाइम निकालना है, टाइम पीरियड, तो 20 वाइब्रेशन का टाइम कितना है हमारे पास 40.2 सेकेंड, तो हमने तो एक वाइब्रेशन का टाइम चाहिए ना, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है कि पेंडुलम एक वाइब्रेशन जो कंप्लीट करने के लिए टाइम लगाता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, तो हमारे पास तो 40 वाइब्रेशन है, हमें तो एक वाइब्रेशन के टाइम पीरियड तो एक वाइब्रेशन का डिफाइंड होता है, तो हम क्या करेंगे कि एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, 40.2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2.01 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.01 सेकेंड, ठीक हो गया ना। यहाँ पर देखें 20 वाइब्रेशन हमें गिवन थी, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो एक एक वाइब्रेशन का होता है। टाइम पीरियड क्या होता है कि ये अगर सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे, ठीक है, ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, तो टाइम पीरियड क्या होगा कि ये एक चक्कर मुकम्मल पूरा करेगा, ठीक है, एक चक्कर ये जो पूरा मुकम्मल कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। और यहाँ पे हमें कितने चक्कर दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें 20 चक्कर दिए हुए हैं, लेकिन टाइम पीरियड तो एक वाइब्रेशन का होता है, एक चक्कर का होता है, 20 का तो नहीं होता, ठीक है। टाइम पीरियड डिफाइन होता है वो एक चक्कर का होता है ना, कि सिंपल पेंडुलम एक चक्कर लगाने में कितना वक्त ले रहा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि 20 चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, तो हमें तो एक चक्कर का टाइम पीरियड डिफाइंड होता है, तो इसलिए हम 20 को दूसरी साइड पे हमने डिवाइड किया, हमारे पास एक वाइब्रेशन आ गई, एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2.01 सेकेंड, 2.1 सेकेंड ही क्या होगा टाइम पीरियड। अब हमने क्या करना है, ये टी की वैल्यू है 2.01 और ये एल की वैल्यू है 1, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना है यूजिंग वैल्यूज ऑफ एल एंड टी इन 1 वी गेट जी कितना आ जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर, एल एल कितना है 1 और टी कितना है, टी है 2.01 का स्क्वायर, जी इज इक्वल टू, अब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 पाई का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 39.4784 डिवाइड बाय 2.01 का स्क्वायर, तो 2.01 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4.041, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 39.4784 डिवाइड बाय 4.01, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.716 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कि हमने फाइनल रिजल्ट जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमने फाइनल रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, एक था लेंथ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, और दूसरा था हमारे पास टाइम, तो टाइम में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, टाइम में भी 3 हैं और लेंथ में भी 3 हैं। तो हमने अभी ये रूल पढ़ा था, ये दोबारा रूल मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हमने जो फाइनल रिजल्ट लिखना होता है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना होता है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, लिहाजा ये जो फाइनल रिजल्ट है हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले जाना है। इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3,
ये थ्री हो गए, इसका मतलब है वन और सिक्स को हमने अब क्या करना है, ड्रॉप करना है। ये वन है, वन को ड्रॉप करेंगे अब हम। अब वन फाइव से छोटा है, हमने ये राउंडिंग ऑफ में ये रूल पढ़ा था, जब हम किसी ऐसे नंबर को ड्रॉप करें जो फाइव से छोटा हो तो पिछले नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लिहाजा जो जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, नाइन सॉरी 9.77। यहाँ पे हमारे पास जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अभी हमने इसके अंदर एरर फाइंड आउट नहीं किया, अब हम इसके अंदर एरर फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, लेंथ के अंदर एरर कितना है, लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर थी ना तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया, लेंथ कितनी है, इसमें एरर कितना है 0.001 मीटर का, ठीक है 1 मिलीमीटर का एरर है ना, तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 0.001 मीटर के बराबर होता है, इसलिए हमने जो एरर लिखा है वो मीटर की फॉर्म के अंदर लिखा है। इसी तरह जो टाइम है, टाइम कितना है हमारे पास 2.01, अच्छा टाइम है हमारे पास 2.01 और इसके अंदर जो एरर है, एरर कितनी है हमारे पास 0.1 सेकंड, ठीक है। अब हमने फाइनल एरर लिखनी है कि फाइनल रिजल्ट के अंदर एरर कितनी होगी। अच्छा, ये जो एरर है 0.1 सेकंड, ये एरर है 1 वाइब्रेशन के लिए, ठीक है, लेकिन हमने 20 ये एरर जो लिखी है हमने 0.1 सेकंड, ये 1 वाइब्रेशन की एरर है, लेकिन हमने 20 वाइब्रेशन ली है, तो लिहाजा जब हम 20 वाइब्रेशन लिए ना जी, एक वाइब्रेशन लिया दूसरी लिया, हम ज़्यादा नंबर वाइब्रेशन इसलिए लेते हैं, ठीक है, जब कोई भी चीज़ हम मेयर करते हैं तो हम जब ज़्यादा मेयरमेंट्स इसलिए करते हैं ताकि हमारी एवरेज अच्छी आए और हम ट्रू वैल्यू के करीब चले जाएं। यहाँ पे हमने एक अब जो है वो वाइब्रेशन नहीं ली टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे हमने 20 वाइब्रेशन लिए हैं, तो लिहाजा ये जो एरर है ये रिड्यूस हो जाएगी। और तो टाइम के अंदर एरर हम कैसे लिखेंगे, इस एरर को हम 20 से, ये जो एरर है 0.1 ये 1 वाइब्रेशन के लिए, इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एरर है वो टाइम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो टाइम 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.1 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि टाइम के अंदर जो एरर आई है हमारे पास वो आ गई है 0.01 प्लस माइनस 0.005 सेकेंड। अच्छा, आप देखें ये दोनों क्वांटिटीज को हमने आपस में क्या किया है, ये एल है और ये टाइम है, इन दोनों क्वांटिटीज को हमने क्या किया है, आपस में डिवाइड किया है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब हम दो क्वांटिटीज की को आपस में डिवाइड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में एरर हमने कैसे लिखनी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था कि जब दो मेयर क्वांटिटीज को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो उनके अंदर जो एरर होती है फाइनल रिजल्ट में हम एरर कैसे लिखते हैं, वो लेक्चर आप देख लें। यहाँ पे दो क्वांटिटीज है हमारे पास, एल है और टी है, इन दोनों को हमने आपस में क्या किया है, डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं कि फाइनल एरर जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फार्मूला जो है, फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ आज हम उसको ड्राइव नहीं कर रहे, जस्ट हम उसको आज यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने किस क्वांटिटी के अंदर जो है वो एरर फाइंड करनी है, हमने एरर फाइंड करनी है जी के अंदर, और जी के अंदर जी किस के इक्वल है, जी इक्वल है एल, दो क्वांटिटीज के इक्वल है, एक है एल दूसरी है टी, और दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। तो जो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो एरर होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगी डेल्टा जी यानी कि एरर इन जी डिवाइड बाई जी की ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल एरर इन एल डिवाइड बाई एल एल की ट्रू वैल्यू प्लस टू। टू क्यों लिखा, क्योंकि ये टी का स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर साथ में आ जाएगा, या आप लेक्चर्स देख लें कम्बिनेशन ऑफ एरर्स का, उसके अंदर ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि कैसे हम जब दो क्वांटिटीज को सॉल्व करते हैं तो उनकी जो एरर होती है फाइनल रिजल्ट में एरर कैसे लिखते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल से समझाया। यहाँ पर जस्ट मैं उसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय टी के। अच्छा, डेल्टा जी क्या है, एरर इन जी, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है।
और जी क्या है, जी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ट्रू वैल्यू, ये जी। आगे है डेल्टा एल, डेल्टा एल का मतलब है एरर इन एल, तो एरर इन एल जो है वो ये है हमारे पास, नीचे एल है, एल की ट्रू वैल्यू, और एल की ट्रू वैल्यू हमें ये है हमारे पास 1 मीटर जो गिवन थी। आगे है डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब है एरर इन टी, और एरर इन टी ये लिखा हुआ है हमारे पास 0.05 सेकंड, उसके नीचे टी है, टी का मतलब होता है ट्री की ट्रू वैल्यू, और टी की ट्रू वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो ये है हमारे पास 2.01। ये सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा जी आ जाएगा, यानी कि एरर इन जी। पुट करते हैं अब हम यहाँ पे, इसको इरेज कर लेते हैं लाइंस को। यहाँ पे हम डेल्टा जी फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा जी, जी की कितनी वैल्यू है, जी की ये वैल्यू लिखी हुई है 9.77 इज इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल ये लिखा हुआ है, यानी कि एरर इन एल 0.001 डिवाइड बाय एल, एल कितना है ये 1 प्लस 2, डेल्टा टी, डेल्टा टी ये लिखा हुआ है 0.05, यानी कि एरर इन टी 0.005 डिवाइड बाय डेल्टा टी, टी की वैल्यू, टी की ट्रू वैल्यू ये हमने फाइंड की है 2.01। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 9.77 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0.001 प्लस, इस सारे को सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 9.4.9751 × 10⁻³। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे इसमें प्लस 0.001 तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.9751 × 10⁻³। अब डेल्टा जी फाइंड करना है तो ये जो लिखा हुआ है 9.77 इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 9.77 × 5.9751 × 10⁻³। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.77 से तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0.0058 58, ठीक है 37। तो अच्छा इसको गैन लिख लेते हैं, डेल्टा जी हमारे पास आ गया है 0.05837। अच्छा इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट के अंदर जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया था वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक था, 3। ठीक है, ये है जी की वैल्यू, जी की वैल्यू के अंदर जी की वैल्यू हमारे पास आई थी 9.77, ये भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और लिहाजा जो एरर है उसको हम भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज ये भी वैल्यू ठीक है, इसको 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करेंगे तो उसका क्या मतलब है 9.77। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.006। ठीक है, ये 5 है, 8 को ड्रॉप करेंगे, 8 5 से बड़ा है तो 5 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो एरर आ जाएगी वो आ जाएगी 0.06। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.06। ये डेल्टा जी एरर इन जी है और ये जी की वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। तो जब हम आंसर लिखेंगे, आंसर में इसका अब यहाँ पे लिख देते हैं कि जी जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 9.77 प्लस माइनस 0.06। ठीक है, प्लस माइनस 0.06, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है और उसमें एरर आ गई। ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी था और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6,
प्रॉब्लम नंबर सिक्स है हमारे पास, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फॉर्मूला। यहाँ पे हमने जी की डायमेंशंस भी बतानी हैं और जी क्या और जी के यूनिट्स भी बताने हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। जी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, आर स्क्वेयर एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू। अच्छा, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर स्क्वेयर एफ एम वन और एम टू इस साइड पे आ गए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जी के यूनिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन वन है यहाँ पे, आर आर क्या होता है, लेंथ है आर, और लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर, ऊपर स्केयर है तो मीटर स्केयर हो जाएगा। आगे फोर्स है, फोर्स न्यूटन में होती है, यहाँ पे हम न्यूटन लिख देंगे। और आगे यहाँ पे मासेस हैं, ये भी केजी में है और ये भी केजी में है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखें न्यूटन जो है, जी इज इक्वल टू न्यूटन किसके इक्वल होता है, न्यूटन फोर्स होती है और फोर्स होता है मास, न्यूटन क्या होता है, ठीक है, फोर्स होती है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट यहाँ पर केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में लेंथ है मीटर स्क्वायर, नीचे है केजी और केजी, एक केजी एक केजी से कट गए, तो हमारे पास, ठीक है, जो यूनिट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, जी इज इक्वल टू ये भी एम है और ये भी एम है, यहाँ पे एम की पावर वन है, यहाँ पे एम की पावर टू है, एम को जब हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, और साथ में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे के जी, ऊपर सेकंड स्क्वायर है उसको नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास एम क्यूब के जी एस स्क्वायर, तो जी के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे एम क्यूब के जी एफ स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट्स आ गए हमारे पास। अब हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है, डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसमें जितनी भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं सब के आप डायमेंशंस लिख देंगे तो हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जी की डायमेंशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ऑल क्वांटिटीज इन इक्वेशन वन, यहाँ पे हम लिख देंगे Writing dimensions of all quantities in one. अच्छा, g is equal to, अब ये देखें r है तो r length होती है, length की dimension capital L और square, आगे force है, ठीक है, force की अब हमने dimension लिखनी है, force होता है मास इंटू के जी, मास की यूनिट होगी कैपिटल एम, और आगे मास इंटू के जी नहीं, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास की यूनिट होगी कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की आगे यूनिट होती है मीटर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो एल टी की पावर माइनस टू, और नीचे एम वन जो भी मास है, एम टू भी मास है, यानी कि मास की यूनिट कैपिटल एम और कैपिटल एम होगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एल स्क्वायर एम एल टी की पावर माइनस टू, और नीचे यहाँ पे भी एम की पावर वन है, यहाँ पे भी वन है, जब एम और एम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डेम इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी एम स्क्वायर। अच्छा, ये देखें एल क्या है, एल स्क्वायर है और ये एल की पावर वन है, जब एल और एल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एल क्यूब हो जाएगा एम टी की पावर माइनस टू, नीचे एम का स्क्वायर के, अब ये नीचे एम की पावर टू है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो एम की पावर कितनी हो जाएगी माइनस टू एंड टी की पावर माइनस टू, अब ये एम की पावर वन है, ये माइनस टू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगी एल का क्यूब एम की पावर प्लस वन एंड माइनस टू टी माइनस टू, ये कितना हो जाएगा एल का क्यूब एम की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू,
तो एम की पावर ऊपर माइनस वन है, टी की पावर माइनस टू है, इनको नीचे ले आए तो जी कितना हो जाएगा, एल का क्यूब एम टी स्क्वेयर। तो जी की जो डायमेंशन है वो आ जाएंगी एल का क्यूब डिवाइड बाय एम टी अच्छा, इसको एक लाइन में रहने नहीं, नीचे ना लेके यहाँ तक ही इसका आंसर ठीक है। जी की जो डायमेंशन है हमारे पास वो आ जाएंगी एल का क्यूब एम की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमने ये साबित करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन वो डायमेंशनली करेक्ट कैसे है, वो है कि नहीं है। तो उसका हम एक ही रूल हमने पढ़ा था कि अगर वो रूल हम इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अगर वो रूल वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, वो रूल उन पे अप्लाई हो जाएगा तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। ठीक है, वो रूल क्या था हमारे पास, वो रूल ये था कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। यानी कि एक एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होती हैं, किसी इक्वेशन में टू होती हैं, किसी में थ्री होती हैं, किसी में फोर हैं, किसी में फाइव तक भी हो टर्म्स होती हैं। तो हर टर्म की हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, अगर हर टर्म की डायमेंशन सेम आएगी तो हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने, और इसमें देखिए फोर टर्म है, ठीक है, इसमें फोर टर्म है हमारे पास, एक ये भी टर्म है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन चारों टर्म्स की अगर हम डायमेंशन फाइंड करें तो डायमेंशन इन चारों टर्म की आपस में क्या होगी, बराबर आनी चाहिए। लेट्स से अगर फर्स्ट टर्म की डायमेंशन आई है एल, तो सेकंड की भी क्या आनी चाहिए एल, थर्ड की भी क्या आनी चाहिए एल, और फोर्थ की भी क्या आनी चाहिए एल आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हर इक्वेशन की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जितनी भी टर्म्स होंगी इक्वेशन के अंदर उन सब टर्म की हमने अलग अलग डायमेंशन फाइंड करनी है, और अगर वो सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम आएंगी तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, उसमें हमें तीन टर्म नजर आ रही है, एक है वी एफ, एक है वी आई और एक है ए टी, तीन टर्म्स है हमारे पास, और इन तीनों टर्म्स की हमने डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है इसकी। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। इन तीन टर्म्स की हमने अलग अलग डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, और इन तीनों डायमेंशन को आपस तीनों टर्म की डायमेंशन को आपस में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये प्रूव हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट, तो इसका मतलब है हमने ये प्रूव करना है कि इन तीनों जो टर्म्स हैं इन तीनों टर्म की डायमेंशन जो है वो सेम है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वी एफ, एफ क्या है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के डायमेंशंस अगर डायमेंशंस नहीं पता तो वेलोसिटी का फार्मूला लिखें, वहां से डायमेंशंस पता चल जाएंगी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यही होती है ना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल, नीचे है टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल टी, टी नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो वी एफ की डायमेंशन क्या आ जाएंगी एल टी की पावर माइनस वन। अब हमने सेकेंड टर्म की डायमेंशन फाइंड करनी है, वो है वी आई, ये भी वेलोसिटी है भाई, फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फाइनल वेलोसिटी मीन जो फाइनल पोजिशन पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और इनिशियली जब हम इनिशियल फाइंड आउट कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन याद हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर लें, आप अगर इसको डायमेंशन याद है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बेशक कैलकुलेट ना करें, अगर याद नहीं है तो फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर लें। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट
होता है डिस्टेंस, लेंथ होती है, और लेंथ की डायमेंशन होगी कैपिटल एल, नीचे टाइम है, टाइम के डायमेंशन है कैपिटल टी, तो टी के नीचे पावर प्लस वन है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर माइनस वन। ठीक है, फर्स्ट टर्म की हमने डायमेंशन फाइंड आउट की हैं, सेकेंड की भी की हैं, अब हम थर्ड टर्म के डायमेंशन फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म है हमारे पास ए टी, ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम। अब हम एक्सेलरेशन की पहले डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और आगे टी क्या है टाइम। अच्छा, अब वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन ये हमने लिखी हुई है, वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमने पहले से फाइंड की हुई है, तो बजाय हम दोबारा फिर फाइंड आउट करते हैं तो टाइम हजाया होगा, तो डायरेक्ट हम वेलोसिटी यहाँ पे डायमेंशन लिख देते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन तो ये थी हमारे पास, और आगे ये टाइम है, टाइम के डायमेंशन ये टी डिवाइड बाय नीचे भी टाइम है, तो नीचे भी टाइम के डायमेंशन ये कैपिटल टी। अच्छा, अब ये यहाँ पे टी के पावर माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन, अच्छा ये जो नीचे प्लस वन है इसको ऊपर लेके आए तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर माइनस वन, टी के पावर प्लस वन, टी के पावर माइनस वन। ठीक है, ये नीचे वाली ऊपर लेके आए तो माइनस वन होगी, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो पीछे क्या बचा एल टी के पावर माइनस वन। अब देखें यहां पे वी एफ की डायमेंशन एल टी के पावर माइनस वन, वी आई की डायमेंशन एल टी के पावर माइनस वन, और ए टी की डायमेंशन एल टी के पावर माइनस वन। तो ये तीनों डायमेंशन आपस में क्या है, तीनों डायमेंशन बराबर है, फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की और थर्ड टर्म की, तीनों टर्म के डायमेंशन एक जैसी हैं, तो लिहाजा ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एस डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इज एज डायमेंशन ऑफ ईच टर्म आर सेम सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट हेंस प्रूव्ड। ये चीज हमने प्रूव कर ली थी। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम टू डिपेंड, स्पीड ऑफ जो साउंड है थ्रू अ मीडियम वो डिपेंड कर रही है दो चीजों के ऊपर, एक है उस मीडियम की डेंसिटी और दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेशियो होती है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेन। स्पीड ऑफ जो साउंड है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक डेंसिटी पे और एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, और हमने क्या करना है फार्मूला ड्राइव करना है, इनके स्पीड ऑफ साउंड हमें बताया गया है कि स्पीड ऑफ साउंड दो चीजों पर डिपेंड करती है। अब आप इसका फार्मूला, मैथमेटिकल जो फार्मूला है इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको ड्राइव करें बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी चैप्टर के अंदर कि डायमेंशन एनालिसिस का एक ये भी फायदा है कि इसकी मदद से हम क्वांटिटीज के दरमियान जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें एक चीज का पता होना जरूरी है, और वो क्या है कि वी कैन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इफ वी नो द सेवरल फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ठीक है, हम फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं अगर हमें पता हो वो किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करना है, और हमें बताया गया है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक वहां मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी उस मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, दूसरा इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रही है, और हमें कहा गया है कि आप स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो है ड्राइव करें। अब हम डायमेंशन एनालिसिस वो फार्मूला जो है वो
ड्राइव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, ये किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है ये डिपेंड कर रही है डेंसिटी के ऊपर। अच्छा, अब इतना हमें पता है कि ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, ये डेंसिटी के ऊपर लीनियर डिपेंड करती है, क्वाड्रेटिकली करती है, क्यूबिकली करती है, इनवर्सली करती है, कैसे करती है, हमें इसका नहीं पता। ठीक है, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, उसका बिहेवियर क्या है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ाएं या कम करें तो डेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है वो डिपेंड करती है। तो लिहाजा जब हमें इसके बिहेवियर का नहीं पता तो इसके पार में हम ए लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ए के बाद में हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो ए की जब हम बाद में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा ये इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। ठीक है, लीनियर ताल्लुक है, क्वाड्रेटिकल है, क्यूबिकल है, या इनवर्सली है, या और कोई इसके दरमियान रिलेशन है। तो अभी तक हमें रिलेशन का नहीं पता, तो लिहाजा हम रो की पार्क में ए लिख रहे हैं। ठीक है, जब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा इसका एक्चुअल रिलेशन जो है वो क्या है। जब तक हमें एक्चुअल रिलेशन का नहीं पता चलता तब तक हम रो की पार जो है ए लिख लेंगे। इसी तरह हमें इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रही है। अब इलास्टिसिटी पर कैसे डिपेंड करती है, आया वो लीनियरली कर रही है, क्वाड्रेटिकली कर रही है, ठीक है, पैराबोलिकली, क्यूबिकली उस पर डिपेंड करती है, या इनवर्सली करती है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो उस पर डिपेंड करती है। तो लिहाजा हमें इसके बिहेवियर का नहीं पता, तो इसकी पार को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिख लेंगे। बाद में हम जब बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसा इसका बिहेवियर है स्पीड ऑफ साउंड के साथ। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे के वी इज इक्वल टू के रो की पावर ए, देन ये डेंसिटी की पावर ए और ई की पावर बी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर तीन क्वांटिटीज हैं हमारे पास, चार हैं। एक है स्पीड ऑफ साउंड, एक है के कांस्टेंट, एक है डेंसिटी, एक है क्लास इलास्टिसिटी। इन सब की हमने डायमेंशंस जो हैं वो यहाँ पे लिखनी है। इन सब की हमने यहाँ पे क्या करनी है, डायमेंशंस लिखनी है, और फिर हमने उन डायमेंशंस के पार को आपस में कंपेयर करना है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास मैथमेटिकली फार्मूला आ जाएगा। बस हमने ये काम करना है। अब हमने इन सारी वैल्यू, इन जितनी भी क्वांटिटीज हैं, चार क्वांटिटीज हैं हमारे पास, इन सब के हमने डायमेंशंस लिख देनी है। अब वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड के डायमेंशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होती हैं। अच्छा, वैसे स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ एल टी की पावर -1 होती है। ठीक है, अच्छा चलें हम पहले इनके डायमेंशन अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम इन यहाँ पे पुट करेंगे। स्पीड है ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या है, टाइम, यही होती है स्पीड। डिस्टेंस की डायमेंशन होगी एल, टाइम की डायमेंशन होगी कैपिटल टी, तो एल टी ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1। आ गया डेंसिटी, डेंसिटी का अब हम डायमेंशन फाइंड करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की डायमेंशन होगी कैपिटल एम, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, एल क्या होती है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल पावर 3, तो रो की डायमेंशन क्या आ जाएगी एम, 3 के ऊपर लेके जाएंगे तो एल की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम हो गई, और जो लेंथ है एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो और लेंथ की डायमेंशन होगी कैपिटल एल। ठीक है, तो डेंसिटी के हमारे पास डायमेंशन आ गई। आगे हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये रेशियो होती है स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। जो स्ट्रेस है वो होता है फोर्स इनटू एरिया के। ठीक है, फोर्स और एरिया के बराबर होता है।
अच्छा, अब फोर्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो हमने कैलकुलेट की हुई हैं, वो होती है एम कैपिटल एम, एल टी स्क्वेयर, और एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, एरिया लेंथ इनटू लेंथ ही होता है, तो इसकी डायमेंशन एल इनटू एल होगी, यानी कि पहली जो लेंथ है उसकी डायमेंशन एल और जो दूसरी लेंथ है उसकी डायमेंशन भी एल, तो एक एल एक एल से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन आ जाएंगी वो आ जाएंगी एम, ये एल ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और टी की पावर -2, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ये आ गई डेंसिटी की, और ये डायमेंशन आ गई स्पीड की। अब ये सारी डायमेंशन यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, वेलोसिटी की स्पीड की जो डायमेंशन है वो आ जाएंगी एल, टी की पावर -1, के कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती तो के को हम छोड़ देते हैं, आगे डेंसिटी है, डेंसिटी की डायमेंशन हमारे पास एम एल की पावर -3, और आगे मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी उसकी डायमेंशन हमारे पास आ गई है एम एल के पावर -1, टी की पावर -2 की पावर बी, एल टी की पावर -1, अब ये ए है, एम की पावर 1 है तो 1 ए से मल्टीप्लाई होगी तो एम की पावर हो जाएगी ए, अब ये देखें एल की पावर -3 है, होल पावर ए है, तो -3 जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, आगे एम एम की पावर 1 होल पावर बी, तो 1 जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो एम की पावर बी हो जाएगी, इसी तरह एल के पावर -1 है होल पावर बी है, तो -1 जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा एल के पावर -b, आगे टी की पावर -2 है, -2 जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2b आ जाएगा एल टी की पावर -1। अब देखें ये एम और ये एम, जब m और m आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इस m की पावर कितनी है a, इस m की पावर कितनी है b, ठीक हो गया, तो m और m को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा m a प्लस b, आगे ये l है और ये भी l है, जब l और l को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो आपस में ऐड हो जाएंगी -3 a और -b आपस में ऐड हो जाएंगी, उसको हम क्या लिख सकते हैं l -3 a -b, और आगे t की पावर -2 b। अब हम इनके पावर को आपस में इक्वेट करेंगे, इनके पावर को आपस में क्या करेंगे इक्वेट, अब देखें राइट हैंड साइड पे m की पावर कितनी है a प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें m नजर आ रहा है नहीं, नहीं है तो जीरो, ठीक है, उसका मतलब है यहाँ पे m जीरो है, यहाँ पे m की पावर a प्लस b है और उस साइड पे m की पावर कितनी हो जाएगी जीरो, तो a प्लस b इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई, 1 तो पहले लिखी हुई है। अब हम l को कंपेयर करें, इस साइड पे l कितना है -3 a -b और इस साइड पे l कितना है 1, l की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे l की पावर -3 a -b है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 a -b इज इक्वल टू 1 के, इक्वेशन नंबर 3। अब t की पावर को इक्वेट करें, इधर t की पावर कितनी है -2 b और इधर t की पावर कितनी है -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये रफ फॉर्म था, रफ साइड पे डायमेंशन अगर आपको पता ना हो तो आप इस तरीके से इसको इनकी डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको डायमेंशन डायरेक्ट याद हैं तो फिर ये अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट डायमेंशन पुट कर दें वहाँ पे। अब देखें इक्वेशन 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, -2 b इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, b को दूसरे पे ले जाएंगे तो b कितना हो जाएगा 1/2 के। अच्छा अब देखें b की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, a प्लस b है तो b कितना है 1/2 इज इक्वल टू 0, तो 1/2 को दूसरे पे लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ गई। बेसिकली हमने क्या करना था, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और a और b की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब ये a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वेलोसिटी स्पीड ऑफ
साउंड का, ठीक है। यूजिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन वन, अच्छा वी इज इक्वल टू के, रो रो की पावर ए है और ए कितना है माइनस वन बाई टू, और आगे ई की पावर बी है और ई कितना है वन बाई टू। अच्छा ये देखिए माइनस वन बाई टू है तो उसको नीचे ले जाएं, ई की पावर वन बाई टू नीचे हो जाएगा ई की पावर रो की पावर वन बाई टू। अब ई की पावर भी वन बाई टू है और रो की पावर भी वन बाई टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं के ई और रो की पावर वन बाय टू। अब अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, वन बाय टू अंडर रूट के इक्वल आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू के ई डिवाइड बाय रो अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्पीड ऑफ साउंड की जो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। इसको हमने बड़ी डिटेल में डायमेंशन एनालिसिस का जो मेथड है उसके जरिए इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। हमने इसको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने प्रूव किया है कि वो इक्वेशन V F इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो उसमें क्या होता है कि उस इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स होती हैं उन टर्म की डायमेंशन आपस में सेम होती हैं। इस इक्वेशन में दो ही टर्म्स हैं, एक है ई जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरा है एनर्जी क्या होती है वर्क, यानी इनकी एनर्जी वर्क है, एनर्जी और वर्क के डायमेंशन सेम है। अब अच्छा एम सी स्क्वेयर और इस साइड पर एनर्जी है, उस साइड पर मास और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों टर्म्स की हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है। अगर साबित हमने करना है कि ये डायमेंशन करेक्ट है, यानी कि दोनों साइड की हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है और इनको आपस में इक्वल आना चाहिए, जब ये इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसका ये मतलब है कि ये इक्वेशन जो है उसमें चार टर्म है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब है इन चारों टर्म की जब हम डायमेंशन फाइंड करेंगे तो सेम आएंगी। लेकिन हमारे पास अभी जो इक्वेशन गिवन है उसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, लिहाजा इन दोनों टर्म्स की हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, उन दोनों टर्म के डायमेंशन को आपस में बराबर आना चाहिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ई है, ई एनर्जी है, एनर्जी किसके बराबर होती है वर्क के, ठीक है। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ इंटू डी होता है वर्क। अच्छा अच्छा फोर्स की डायमेंशंस, फोर्स किसके बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, और अगर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन क्या होती है एल, लेकिन अभी अगर ठीक हम डायमेंशन लिखेंगे सबकी उसको अभी तक ऐसे ही लेने दें। अच्छा मास के डायमेंशन क्या होती हैं कैपिटल एम, एक्सेलरेशन के डायमेंशन एल टी की पावर माइनस टू, इसको पहले भी फाइंड किया है दोबारा फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी के डायमेंशन लिख लें और उसको टाइम नीचे लिख लें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक्सेलरेशन की आ जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन है एल तो सबको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम एल टी की पावर माइनस टू एल। अब ये एल और ये एल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये डायमेंशन आई है हमारे पास ई की। अब हम एम और सी स्क्वायर की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके भी डायमेंशन यही आने चाहिए एम सी स्क्वायर। अच्छा एम है मास, सी है स्पीड, और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये होता है। मास की डायमेंशन होगी कैपिटल एम, डिस्टेंस की होगी कैपिटल एल, और नीचे टाइम है, टाइम की होगी कैपिटल टी, ठीक है। एम एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर,
टी की पावर नीचे नेगेटिव है ऊपर लेके आएंगे तो पॉजिटिव, एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ठीक है, अब ये देखें डायमेंशन है एनर्जी की एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और ये डायमेंशन है एम सी स्क्वायर की, वो है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। दोनों की डायमेंशन जो है वो आपस में सेम है। ठीक है, लिहाजा हम क्या क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। सो हम यहाँ पे लिख लें द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लास्ट प्रॉब्लम है हमारा इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, प्रॉब्लम नंबर 10 है। 10 है हमारे पास कि सपोज वी आर टोल्ड, हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है मूविंग इन अ सर्कल, जो एक दायरे में घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, विद यूनिफॉर्म स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द सम पार से r की पावर n एंड सम स्पीड ऑफ वेलोसिटी से v की पावर m, डिटरमाइन द पावर्स ऑफ r एंड v। क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक पार्टिकल है जो दायरे में घूम रहा है, जो एक सर्कल के गिर्द घूम रहा है और उस सर्कल का रेडियस है r। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो है वेलोसिटी v। अब हमें ये नहीं पता कि उसकी जो उसका जो एक्सेलरेशन है उसका एक्सेलरेशन उस सर्कल के रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जहां पे हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड किया था किसी मीडियम के लिए कि हमें पता नहीं, हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है और इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, हमें ये नहीं बताया गया था कि वो कैसे डिपेंड करती है, लीनियरली करती है, क्वाड्रेटिकली करती है, क्यूबिकली करती है, इनवर्सली करती है, ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। सेम क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल के अंदर भी कहा गया है कि जो एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सर्कल के रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं पता है। उसने कहा कि हम उसको कह देते हैं r की पावर का n का नाम दे दिया। ठीक है, उसने कहा ये जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है r के ऊपर, लेकिन कैसे कर रहा है ये हमें नहीं पता, हम उसको n का नाम दे देते हैं, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हमें नहीं पता वो उसका बिहेवियर कैसा है, उसको हम m का नाम दे देते हैं। आप n और m की वैल्यू फाइंड आउट करें और बताएं हमें एक्सेलरेशन r के साथ कैसे वेरी करता है और एक्सेलरेशन पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, इसको हम उसी तरीके से करते हैं, मैथमेटिकली पहले लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो r पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है ये हमें नहीं पता, हम कह देते हैं लेट n पावर के साथ कर रहा है और v के साथ भी कर रहा है, वेलोसिटी के साथ भी, लेकिन हमें नहीं पता कैसे कर रहा है, बिहेवियर इतना पता है कि डिपेंड करता है, कैसे करता है ये नहीं पता, से उसको हमने m का नाम दे दिया और अब हमें कहा गया है कि हमने n और m की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के तो k लगा देंगे, r की पावर n और v की पावर m, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि हमने n और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डायमेंशनल एनालिसिस से, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं हम इन सारी क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उनके पावर्स को फिर से आपस में कंपेयर करेंगे, वहां से हम n और m की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब दोनों साइड पे हम डायमेंशंस पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास आती हैं एल टी की पावर माइनस टू, के कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती, आर लेंथ होती है, लेंथ की डायमेंशन एल, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं एल टी की पावर माइनस वन एम। अच्छा, एल टी
टी की पावर माइनस टू, एल की पावर एन, यहाँ पे एम की पावर वन है तो वन एम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एल की पावर एम, आगे टी की पावर माइनस वन है माइनस वन एम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एम, एल टी की पावर माइनस टू इज इक्वल टू। अब देखें ये भी एल, ये भी एल, एल एल से मल्टीप्लाई होगा तो पावर इनकी जो आपस में है वो ऐड हो जाएंगी, एल की पावर एन प्लस एम एन टी की पावर माइनस एम, इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पर जो पावर एंड डायमेंशन की उनको कंपेयर कर लेंगे। अब देखें एल की जो पावर है राइट साइड पर है वो है एन प्लस एम और जो लेफ्ट साइड पर है वो एल की पावर वन है, तो दोनों साइड को जब हम पावर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एन प्लस एम इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर थ्री। इसी तरह हम टी की पावर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर टी की पावर माइनस टू है यहाँ पर टी की पावर माइनस एम है, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एम इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फोर। अब हम इक्वेशन फोर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एम, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास टू। अब ये एम की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, एन प्लस एम है और एम की टू है इक्वल टू वन। अब ये टू इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, वन माइनस टू प्लस वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, तो एन की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ गई है। अब एम और एन की जो वैल्यूज हैं, एम की वैल्यू टू एन की वैल्यू वन माइनस वन, एम और एन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यूजिंग वैल्यूज ऑफ एम एन इन वन, तो ए इज इक्वल टू के आर की पावर एन है और एन की वैल्यू माइनस वन और आगे वी की पावर एम है और वी की एम है और एम की वैल्यू टू है, आर के पावर माइनस वन है, उसको नीचे लेके जाएंगे के वी का स्केयर और आर, सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी के वी का स्केयर डिवाइड बाय आर। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया है उस पार्टिकल के लिए जो सर्कल में घूम रहा है और वो सर्कल के रेडियस और अपनी वेलोसिटी वी पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है।